फाना दो मुजफ्फर से पांव तक जंजर जल साहब एक काले हर दिवाले फांद कर ले जाए आए आप लगाना याद है आपको ये ला कहते हैं हुनर की कद्र हर जगह होती है। अगर आप हुनरमंद हो तो आप ऊंची उड़ान भर सकते हो। आज एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर हुनर लोगों में भरा जाता है, बच्चों में खास करके। और ये एक क्लास है, नर्सरी स्कूल है ये, और यहां पर डांस की क्लास भी होती है। और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये लंबे अरसे से डांस की क्लासेस लेते आए हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ये हुनरमंद करते हैं लोगों को डांस सिखा के। ये जो प्रतिभा है इस पर हम ज़रा बात करेंगे और इनका हम तारुफ कराते हैं, इनका परिचय कराते हैं। इनका नाम है रंजीत पात्रो, जो कि आदित्यपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी टैलेंट इनके अंदर में है। आज सोचा कि एक्सप्लोर किया जाए, ज़रा इनके बारे में बात की जाए कि इतने अरसे से जो ये सिखा रहे हैं इनकी क्या क्या अचीवमेंट रही है, कब से शुरुआत हुई इनकी। तो रंजीत आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मसाल न्यूज़ का थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और हम लोग भी यही तलाश करते हैं कि कहाँ कोई ऐसी प्रतिभा हो जिसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें अपने तरीके से, अपने स्तर पर। और इसीलिए आज यहाँ पर आना हुआ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप इस विधा से, नृत्य की विधा से खुद कब जुड़े और आज तक का जो सफ़र रहा, कितने वर्षों का सफ़र रहा? सबसे पहले तो सर सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे बड़े भाई को दिया जाता है जो कि मेरा आइडल भी है। उन्होंने जब सबसे पहले वो आरती डांस करते थे मेरे बड़े भाई, वो मेरे को साथ में लेके जाते थे दुर्गा पूजा काली पूजा बना, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे भी डांस करना है। तो मैंने वेस्टर्न को अपना कल्चर अपनाया, फिर मैंने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेके मैं कंपटीशन में भी गया, दो तीन बार मैंने जीटी में स्टूडियो राउंड से ही बाहर हो गया हूँ। फिर उसी बीच थोड़ा सा संकट पैदा हो गई और मैंने जॉब स्टार्ट किया। तो जेएमटी ऑटो में मैंने 15 ईयर्स जॉब किया, उसके बाद कुछ क्राइसिस चल गई तो फिर मैंने फिर से डांस को स्टार्ट किया और यही जर्नी मेरा 2010 से स्टार्ट है और अभी तक चालू है। ये मतलब 14 ईयर्स कहें तो ये अनवरत आपका चल रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है जॉब छोड़ने के बाद से। तो ये थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, जब आपके अंदर ये मतलब शौक पैदा हुआ कि मुझे डांस करना है, ये उम्र तब क्या होगी आपकी? तभी मेरी उम्र होगी कम से कम 10-11 साल हुआ होगा उम्र। तभी भैया हमको पकड़ के लेके जाते थे, तभी डांस करते थे, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ। अब मतलब शौक जो हुआ वो आपका पैशन बना और उसके बाद आप आगे बढ़ते गए और जो आपके अंदर टैलेंट है वो दूसरों में बांटते चले गए। जी सर। क्या क्या अचीवमेंट रही अब तक आपकी और आपके बच्चों की? मेरी बच्ची अभी कोलान टैलेंट हंट का विनर है, कोई रनर अप है, और एक बच्ची मेरी सहारा सिटी की जो कि जी टी वी में स्टूडियो राउंड तक परफॉर्म कर चुकी है, टेरेंस लुइस, मुदस्सर, सबके बीच में डांस कर पाई है। और मैं भी खुद धर्मेश्वर, वैभव गुर्ग, उनके साथ भी मैं डांस कर चुका हूँ। बड़ी उपलब्धि है, जमशेदपुर का कोई बंदा अगर उस लेवल पे पहुँचता है तो खुशी की बात है और गौरव की भी बात है हम सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए। ऐसे ही टैलेंट जो है उभर के सामने आए, हर संभव मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी अगर बच्चे के अंदर में उस तरह का टैलेंट है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसे आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए, वो आप कर रहे हो। तो ये बताइए इस जगह जो आप करें, आदित्यपुर का ये इलाका है, ये पॉश इलाका है, बहुत ही मतलब कहें तो एस टाइप का एरिया है, और ये जो स्कूल चलता है, ये कब कब क्लासेस होती है? ये
डांस स्कूल तो मेरी सैटरडे और संडे होती है। सैटरडे 5:30 से 7 PM में क्लास चलती है और संडे चलती है 9 से 10:30। अच्छा, दो दिन सप्ताह में क्लासेस चलती हैं। और जब बच्चे कहीं परफॉर्म करते हैं, सिलेक्शन होता है, तो उनको मैं कंटिन्यू क्लासेस देता हूँ। अच्छा, और स्पेशल क्लासेस आप देते हैं कि उसको वहाँ पे पहुँचाना है और विनर बनाना है। ये सबका ख्वाब होता है कि किसी अगर मंच पे पहुँचते हैं तो विनर बन के आएँ, सबका ख्वाब होता है। मेरे ख्याल से यहाँ जो बच्चियाँ आई हुई हैं, इनके अंदर भी वो सपना है और वो सपना लेकर ही यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये बड़े खुशी की बात है। देखिए, छोटी छोटी बच्चियाँ जो यहाँ पे डांस सीखने आ रही हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मुस्कुरा रही है। क्या नाम है आपका? सानवी। कौन स्टैंडर्ड में क्लास का? LKG। LKG में। उम्र क्या होगी इनकी? LKG मतलब 5 ईयर्स ओल्ड। कितनी? 4 साल उम्र है और यहाँ पे डांस सीख रही है। और अच्छा स्टेप हमने मैंने देखा, गौर किया। और आप भी हो? ये तो बड़ी बच्ची आती है बहुत दूर से। ये कहाँ से आती हो? सोनारी से। अरे, सोनारी से यहाँ आती हो? कौन आपको लाते हैं यहाँ? पापा। और फिर लेके जाएंगे, है ना? वाह वाह। डांस की तो अलग अलग मतलब फॉर्म है। हम अगर क्लासिकल की बात करें तो भरतनाट्यम से लेके आपका कथक है, कुचिपुड़ी है और कई कई डांस फॉर्म है, ओडिशी है। अब जो आप जो कर रहे हैं, सिर्फ आप मतलब वेस्टर्न ही करते हो या इंडियन डांस भी आप सीखते हैं? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पहले डांस किया मैं उसका थोड़ा सा डांस एक आर्ट है सर, जो कि उसका फीलिंग होता है। ओके, डांस हम लोग जो सिखाते हैं, जैसे कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, तो डांस ही एक ऐसा जरिया है जो स्ट्रेस दूर पर है। तो डांस करने के बाद बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, स्ट्रेस दूर हो पाएगा और अपने आप को एंजॉय कर पाएंगे। डांस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। हिप हॉप होता है, सालसा होता है, बॉलीवुड होता है, जैज होता है। ये सारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिफरेंट टाइम में सिखाता हूँ। उम्र के हिसाब से होता है? जी, उम्र के 5 ईयर से लेता हूँ। और इस बच्चे को मैंने डिप्लोमा कोर्स करवाया हुआ है, जो कि सूर्य भारती से एग्जाम के थ्रू से हम लोग इस बच्चे को एग्जाम दिलवाते हैं। एक बच्चा सारे के सारे में हुनरमंद हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। हाँ, तो यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे मैंने, किस में ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट है या ज़्यादा अच्छा कर्म कर रहे हैं? इसे सारे हिप हॉप में इंटरेस्टेड है। हिप हॉप में इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा आपसे बात हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा, डांस के सिवा एक तो आप जॉब कर रहे थे, और क्या क्या हॉबी आपकी? डांस के सिवा मैं थोड़ा बहुत मिमिक्री कर लेता हूँ। अच्छा, जैसा अमिताभ बच्चन का कर लेता हूँ, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का कर लेता हूँ। एक अलग टैलेंट है इनके अंदर में। जब का है तो लगे, हाँ तो हम मौका छोड़ना नहीं चाहते। कोई एक छोटा सा डायलॉग आप बीवी का? फन दो मुझे सर से पाँव तक झंझर जल साहब, एक काले हर दिवाले फांद कर ले जाए आए। वाह वाह, क्या बात है, तालियां। चपर गंजो चले कुछ करो और बारो से विश्वनाथ करो। वाह वाह, ये हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ है। तो दो हमने सुनी, बिग बी और शत्रुघ्न सिन्हा, एक ही ज़माने के दोनों कलाकार और नामचीन कलाकार, हमको लगता है कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन एक बात है कि मिमिक्री करना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि जो बंदा ओरिजिनल है वो तो अपनी आवाज़ उसका तो मिला है, कुदरत ने दिया, लेकिन जो उसकी नकल करता है बहुत मेहनत करता है, यूं ही उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। आदित्यपुर इलाके में इस क्लास के सिवा कहीं और भी क्लासेज अपनी आप चलाते हैं? हाँ, सहारा सिटी में चलाता हूँ, जो कि आई लाइन्स पर आदित्यपुर 2 में होता है, वहीं मैं वेस्टर्न सिखाता हूँ और एक कदमा में सिखाता हूँ। अच्छा, वो उसका टाइमिंग और डे? उसका टाइमिंग सैटरडे संडे, बट टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है। यहाँ जैसे शाम को हो रही है, वहाँ शाम को है, संडे को सुबह को होती है और सैटरडे को सुबह क्लासेस होती है। अच्छा, मतलब वीकेंड में आप बहुत बिजी रहते हैं? हाँ, वीकेंड में बहुत बिजी रहते हैं लोग। वीकेंड में फुर्सत करना चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा वीकेंड है तो मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे घर में, परिवार में या कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन उस समय आप ये काम करते हो। और नाम क्या है आपका? हर्षित सिन्हा जी। कौन क्लास में हो? स्टैंडर्ड 4 में है। स्कूल? जेवियर स्कूल गमरिया। ओके, तो अब कितने समय से आप यहाँ क्लास करने आ रहे हो डांस के? 2 साल। 2 साल हो गए? हाँ। क्या क्या सीखा आपने? वेस्टर्न, हिप हॉप और भी बहुत सारा बॉलीवुड और बहुत सारा डांस। तो घर में भी कभी कोई शौकिया मम्मी पापा के सामने डांस करते हो क्या? हाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। कहाँ पढ़ती हो आप? गमरिया। गमरिया में? नेताजी सुभाष। अच्छा, कौन क्लास में? 6। तो आप कब से आ रही हो?
अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6-7 दिन हुआ। तो कितना कुछ सीखा? डांस अच्छा सीखा। मतलब तो मैंने देखा है स्टेप करते हुए, तो मतलब सीखने का मतलब कैसे मन पैदा हुआ कि मुझे डांस सीखना है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट? टीवी में डांस वगैरह देखती हो, वो हाँ। देख के शौक पैदा हुआ कि मैं भी डांस करूँगी, है ना? अच्छा अच्छा, तो घर में भी कभी कभी वो टीवी चलता है तो डांस करती हो क्या? शौक है? मम्मी पापा क्या आपको प्रमोट करते हैं कि करो डांस करो, या मना तो नहीं करते हैं? नहीं, मना नहीं करते बिल्कुल। तो यहाँ जो स्कूल है आपका, स्कूल का नाम आपका? स्कूल का नाम है रश्मि टाइनी टेड स्कूल। अच्छा अच्छा, तो अब आगे के लिए क्या सोचते हैं आप, क्या टारगेट है आपका आगे? सर अभी बहुत जल्द हम लोग को सुपर डांसर का भी ऑडिशन होने वाला है, उसमें से इसमें से किसी 5-6 बच्चे को मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें।